नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं रहा। बदमाश आए दिन बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। करनाल में एक युवक की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें देखिए, बिखरा पड़ा ये खून और हर तरफ सड़क पर पड़े खून के निशान, ये देखकर हर कोई दहशत के माहौल में है। करनाल में बीती रात चौधरी कॉलोनी के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि युवक की गर्दन पर चार बार चाकू या किसी तेजधार हथियार से वार किया गया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस घटना की खबर देर रात को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और तड़पते हुए युवक को देखकर उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले गई। हालांकि तब तक युवक के शरीर से काफी खून बह चुका था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। दरअसल करनाल के चौधरी कॉलोनी में घटना स्थल के पास लगे हुए एक घर में सो रही महिला बाहर उठकर आई तो उसने देखा कोई सड़क पर पड़ा तड़प रहा है। इसके बाद महिला ने अपने परिवार के अन्य लोगों को जगाया। लोगों ने पास जाकर देखा तो मृतक युवक खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ पड़ा था। युवक के शरीर से खून बह रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक का शव कल्पना चावला के मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। वही युवक के हुलिया से मृतक सिख समुदाय से संबंध रखने वाला लग रहा है। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ले रही है। बता दें कि युवक जहां खून से तड़पता हुआ मिला था, वहां से कुछ दूरी पर करनाल के मेयर का घर भी है, फिर भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां से मान लीजिए छोटे भाई की सास वो रात को बाथरूम करने के लिए निकली है, उन्होंने देखा कोई बछड़ा पड़ा है तड़प रहा है। उन्होंने थोड़ी आगे आके देखा तो एक आदमी तड़प रहा था। उन्हें तुरंत मेरे भाई पे फोन करवाया, मेरा भाई उठा, मेरी बाबी ने मुझे उठाया, हमने देखा कि यहाँ कोई बंदा पड़ा हुआ है। हमने तुरंत ही पुलिस के मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद 20-15 मिनट के बाद जिप्सी आई है, वो जीवित था जी, वो जीवित था, जीवित ही वो गड्डी में बैठाया और जिप्सी लेके चली। आगे दम तोड़ दिया उसने, उसने हमने बता आधे घंटे में दम तोड़ा, घंटे में 15 मिनट। काफ़ी खून बिखरा पड़ा है, खून सर काफ़ी बहुत ज़्यादा खून था। तो कोई आवाज वो जाई सर, कुछ ऐसा पता लगा? कोई आवाज नहीं आई, वो तो चारी वो बाथरूम के लिए निकली तो उन्हें पड़ा हुआ देखा उस टाइम। नहीं तो सुबह ही पता चलता। हाँ, नहीं तो हमको तो सुबह ही पता चलता। तो कोई लड़के का आपने कभी पहले उसको यहाँ आसपास कभी देखा हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। क्या नाम आपका? रामेश्वर। 12 बजे के लगभग सूचना मिली है कि कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसको डेड बॉडी को डेड हाउस में पहुँचाया गया, सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह और अपनी जाँच अमल में लाई गई। अभी जांच जारी है, वारसान की तलाश की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और तलाश के इश्तेहार वगैरह जारी करके तलाश की जा रही है। तो सर फिगर कितने चाकू लगे हुए हैं और कहां कहां हैं? इसके गर्दन के ऊपर करीब 4 चाकू लगे हुए हैं। तो काफ़ी खून बिखरा हुआ था मौका पर, काफ़ी खून बिखरा हुआ है। तो कितने बजे की है ये जानकारी? ये करीब रात को 12 बजे, 11:30-12 बजे की बात है। पता लगा युवक बचते बचाते भाग भी रहा था कुछ ऐसा? हाँ, कुछ 10-12 कदम चला है युवक, 10-12 कदम चलने के बाद लगता है ऐसा कि वहाँ पर गिरा है, उसके बाद वहीं पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कार्रवाई की जा रही है शिनाख्त के लिए। फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और इश्तेहार वगैरह तलाश के लिए और जारी किए गए हैं। तो CCTV भी खंगाले जा रहे हैं? कुछ CCTV वगैरह और उस साइड में देखे जा रहे हैं। देखने से हुलिया कैसा लगता है इसका? देखने से कुछ ऐसा लगता है जैसे जट सिख वगैरह, कोई सिख टाइप का लगता है। दाढ़ी रखी हुई है बड़ी? कुछ दाढ़ी रखी हुई है बड़ी बड़ी और बाल कुछ बड़े हैं और यंग है, करीब 6 फुट 10 इंच कद है इसका। तो मौके पर देख क्या है, क्या हालात देखे मौके पर? हालात अभी आइडेंटिफिकेशन की तलाश की ज़रूरत है, ज़्यादा तलाश की जा रही है, तलाश होते ही फिगर सामने आएंगी और इसको शॉर्ट आउट करने के पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।